श्री साई नाथाय नमः। देश के प्रमुख मंदिरों की तरह शिरडी साई बाबा मंदिर भी फिलहाल भक्तों के लिए बंद है, लेकिन साई बाबा का सबसे आधारभूत मंत्र यानी सेवा अभी भी यहां बदस्तूर जारी है। श्री शिरडी साई ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे कोविड अस्पताल में हर दिन सैकड़ों कोविड मरीज आते हैं और ठीक होकर घर जा रहे हैं। इस अस्पताल में न सिर्फ मरीजों का इलाज मुफ्त में होता है, बल्कि मरीजों के परिजनों के लिए रुकने और खाने का मुफ्त इंतजाम भी किया जाता है। यहाँ के कोविड अस्पताल में 640 बेड हैं, जिसमें से 140 ऑक्सीजन बेड हैं और 20 वेंटिलेटर बेड हैं। सबसे खास बात यह है कि इस साल ट्रस्ट को 83% कम दान मिला है, फिर भी सेवा में कोई कमी नहीं की जा रही है। साल 2019-20 में श्री शिरडी साई ट्रस्ट को 357 करोड़ रुपए का दान मिला था, लेकिन कोरोना महामारी के दौर में सिर्फ 62 करोड़ रुपए का दान मिला है। इस कमी के बावजूद यहां कोविड अस्पताल के साथ साथ 1200 लीटर प्रति मिनट की उत्पादन क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट और एक आधुनिक RT-PCR लैब को भी तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, ट्रस्ट के हॉस्पिटल से अब तक 7000 से ज्यादा मरीज पूरी तरह ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। ट्रस्ट की 3000 लोगों की टीम जो पहले भक्तों की सेवा में तैनात रहती थी, अब वो मरीजों के निस्वार्थ सेवा में लगी हुई है। हमारे यहाँ शुल्क हम नहीं लेते, चार्जेस हम लगवाते हैं। समझो किसी को अगर लगवा है तो महात्मा फुले जीवनदायी योजना जो केंद्र या राज्य सरकार की योजना है, उसके तहत हम उसका मतलब अगर खर्चा आता है तो वो भी कॉम्पेंसेट हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिरडी साई बाबा एक उपदेश हमेशा दिया करते थे, श्रद्धा और सबूरी। मरीजों की सेवा में ट्रस्ट के लोगों की श्रद्धा और मरीजों में अपने पूरी तरह ठीक होने का सब्र इस महामारी के दौर में हमेशा हौसला बढ़ाता है। ओम श्री साई नाथाय नमः। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।